गाइज गुड मॉर्निंग। तो मैं निकल गई हूँ सुबह सुबह ऑफिस के लिए और आज है मेरा बर्थडे। चलिए चलते हैं, आज का दिन कैसा हो। सो दिन की शुरुआत में कुछ ऐसे तो बर्थडे मनाते हैं और अभी मैं ऑफिस में बहुत सारा काम वाम भी करना है। तो मन था छुट्टी लेने का, कई छुट्टी हूँ बट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बस ऑफिस वालों ने भी कुछ प्लान करा है तो वो भी मैं आपको ब्लॉग में आगे दिखाती हूँ। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है इसीलिए आप लोग मेरे आँखों के नीचे है और थोड़ा सा बुखार भी आ रहा है। लेकर नहीं आई, सर ने बोला कि चलो ठीक है हाफ डे दे देते हैं, एंजॉय करो अपने डे को। तो सानू भी जल्दी आ गए हैं और 3:30 बज रहा है तो अब हम लोग थोड़ा सा घूमने जाएंगे और देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो मैं वीडियो में आप लोग को बताऊंगी, तो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना। थोड़ा सा मेरी आँखें सूझी आप लोग को दिख रही होंगी क्योंकि मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है। आई फ्लू भी अभी 2-3 दिन पहले ही ठीक हुआ है, ये देखिए। तो तबीयत भी थोड़ी ऐसी ऐसी हो रही, तो बस मैं भी नॉर्मल सी तैयार हो गई। तो हम घर से निकल गए हैं, सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे। मंदिर गई, मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ाया, सावन का महीना भी चल रहा है, और विश मांगी कि सब कुछ सबके साथ अच्छा होना चाहिए, मेरे दोनों घर वाले खुश रहें, हम लोग भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, और बस सबका भला होता रहे। और बहुत अच्छी हवा चल रही है गाइस, आज पता बहुत अच्छा मौसम है। के बाद हम आ गए हैं लेक व्यू, आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा, बहुत अच्छा मौसम था ना। तो यहाँ पे ठंडा ठंडा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बोटिंग वगैरह तो हमने नहीं की क्योंकि यार तबीयत के कारण ना मेरा बिल्कुल मन नहीं था। सामू बोले कि नहीं चलो चलो, इसलिए मैं आ गई। नहीं तो मेरे को फीवर हो रहा था, ऐसा लग रहा था बस घर जा के सो जाऊँ, पर उन्होंने कहा कि सोकर भी क्या कर लोगे, तो सही बोल रहे थे। वैसे मेरा मन अच्छा हो गया हवा में घूम कर, और अच्छा रहा मेरा आज का दिन भी, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम बिरला मंदिर आए दर्शन के लिए। ये मंदिर 3:30 के बाद खुल जाता है ना, और शाम को 5:30 लगभग हो गया था। तो बस बिरला मंदिर हम आए, अभी हम यहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे और थोड़ा सा रील्स बनाएंगे। आप रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है nainasony1234, ओके, उस पर मैं रील्स बनाती हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके भी रील्स देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे खाई रस मलाई, क्योंकि केक खाने के बाद भी मैंने खाना नहीं खाया था, भूख नहीं लग रही थी, मुझे कड़वा कड़वा हो रहा था ना बुखार में, तो बस हमने यहाँ पे रस मलाई ली दोनों ने और रस मलाई। उसके बाद सामने मुझसे केक कटवाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया, Happy birthday to you. You a long life to you. You a long life to you. You a long life, dear Pia. Happy birthday to you.